आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। झारखंड सहित देश दुनिया की अहम खबरों के साथ मैं हूं राकेश सिंह। प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री रघुवर दास, 1000 दिन का लेखा जोखा पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्थायी सरकार बनाने के लिए झारखंड की जनता को दी बधाई। गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने झारखंड की जनता को विकास के 1000 दिन पूरे होने पर बधाई दी। रघुवर दास ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रहे विकास एवं कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया बनाने के सपने को पूरा करने के लिए झारखंड पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल का 1000 दिन पूरा हो रहा है तथा इस अल्प अवधि में राज्य का विकास दर 8.6% है, जो गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान, गरीब मेला तथा सरकार आपके द्वार इत्यादि कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में 8,500 करोड़ से अधिक की आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया तथा 500 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियां लगभग 1,00,000 लोगों के बीच वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने 1000 दिन के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक भी प्रधानमंत्री को भेंट किया। रघुवर सरकार के 1000 दिन आज संथाल में लिखी जाएगी विकास की गाथा, साक्षी बनेंगे राजनाथ सिंह। झारखंड में रघुवर सरकार के 1000 दिन शुक्रवार को पूरे हो रहे हैं। 1000 दिन पूरा करने वाली यह झारखंड की पहली सरकार बनी है। इस मौके पर राज्य सरकार संथाल परगना में विकास की गाथा लिखने जा रही है। खास बात है कि इसके साक्षी बनेंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। इस मौके पर आयोजित समारोह में सरकार संथाल परगना प्रमंडल को 3,184.66 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देगी। उप राजधानी दुमका में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह दर्जनों योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत झारखंड के सभी मंत्री इसके गवाह बनेंगे। समारोह में 1,304 करोड़ की लागत से संथाल परगना के विभिन्न क्षेत्रों में 24 सड़क निर्माण योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार 309.86 किलोमीटर नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण भी होगा। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर 1200 करोड़, स्वास्थ्य केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, केंद्रीय पुस्तकालय, 100 एवं 300 शैया वाले अस्पताल भवनों के निर्माण पर 463.59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह पेयजल आपूर्ति योजना पर 15.92 करोड़, सोलर वाटर पेयजल आपूर्ति योजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल पुलियों के निर्माण पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की तैयारी है। रांची में एक बार फिर वर्दी हुआ शर्मसार, पुलिस का अमानवीय चेहरा उजागर। राजधानी रांची में एक बार फिर वर्दी हुआ शर्मसार, पुलिस का अमानवीय चेहरा हुआ उजागर। बोरी में बांधकर रिक्शे पर लादकर पुलिस रिम्स ले गई लाश। मामला रांची के चुटिया थाने का है। रांची के चुटिया स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गुरुवार की सुबह सेप्टिक टैंक से एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना चुटिया थाने की पुलिस को दी। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और टैंक से बॉडी निकलवाई, लेकिन इसके बाद बॉडी को अमानवीय तरीके से बांधकर रिक्शे पर लाद दिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भिजवाया। पुलिस ने जिस तरीके से लाश को सामान की तरह बांधकर रिक्शे पर लदवाया, उससे आसपास के लोगों ने कई सवाल खड़े किए। लोगों ने कहा कि पुलिस का यह अमानवीय चेहरा है। आज की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। झारखंड सहित देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहिए आपका अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।